नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। गांधी जयंती पर गांधी पार्क में कल होगा मुख्य समारोह का आयोजन। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह आयोजित। और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता दौड़ का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पूरे देश के साथ साथ कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई जाएगी। मुख्य समारोह कल सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम के गांधी पार्क में आयोजित की जाएगी। इस दौरान उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बाद में रामधुन का आयोजन किया जाएगा। कुपोषण मुक्त भारत एक पहल के तहत माहव्यापी राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह आयोजित किया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पूरे सितंबर माह तक चले 7वां राष्ट्रीय पोषण माह का कल राजकीय बालिका विद्यालय के सभागार में समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण सचिव, समाज कल्याण निदेशक डॉ. नितिन शाक्या, CDPO जरीना बीबी, समाज कल्याण विभाग के परामर्शक डॉ. सारिका वर्मा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद रहे। समारोह के दौरान पोषण आहार पर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस बीच कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में नन्हे कलाकार द्वारा नृत्य पेश किया गया। इस बीच CDPO जरीना बीबी ने पोषण माह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। 1 सितंबर से आज तक बहुत प्यारा प्यारा कार्यक्रम हर आंगनवाड़ी केंद्र में संचालित किए थे। पोषण माह के अंतर्गत हमें बहुत सारी थीमें दिया गया था और उस थीम के अंतर्गत हमने हर आंगनवाड़ी को, यहाँ तक कि खाली अर्बन नहीं, फ्रैगेंट प्रोजेक्ट, रंगैत, डिग्रीपुर और निकोबार, जो हमारे 5 प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट में पोषण माह को बहुत सुंदर एक फेस्टिवल के रूप में मनाया गया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। कार्यक्रम के विजेता बच्चों एवं अन्य प्रतिभागियों में पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस मौके पर परामर्शक डॉक्टर सारिका वर्मा ने पोषण माह के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। तो पोषण माह हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब सर्वे हुआ, इंडिया में जब सर्वे हुआ, तो कुपोषण की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली जिसे पोषण अभियान कहते हैं, और उस साल मार्च 2018 में इसे लॉन्च किया गया राजस्थान के झुंझुनू जिले में। इसके अंतर्गत हम सभी बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर को, प्रेग्नेंट वोमेन को, एडोलेसेंट गर्ल को, इस कैटेगरी में हम लोग एक एक कैटेगराइज करते हैं और पता करते हैं कि कौन से बच्चे किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कार्यक्रम में समाज कल्याण निदेशक ने नारी शक्ति पुरस्कार का वितरण किया।
बाद में समाज कल्याण सचिव, समाज कल्याण निदेशक एवं अन्य गणमान्य लोगों ने इस दौरान आयोजित पोषण माह प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। पर्यावरण एवं वन विभाग ने आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता पर आज चिड़िया टापू की जैविक उद्यान से स्वच्छता दौड़ आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि थे। इस दौरान सहायक वन संरक्षक एसी तिलक एवं विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस बीच मुख्य अतिथि ने इस दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दौड़ जैविक उद्यान से आरंभ होकर चिड़िया टापू तट पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए समय दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन लॉन्च किया गया। ये कैंपेन का इस बार थीम है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। ये बहुत ही रेलिवेंट थीम है। यदि आदमी को स्वभाव में आ जाए और कल्चर में आ जाए तब इसको मिशन कोई कैंपेन चलाने के लिए और मिशन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के लिए हम लोग भी इस बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरह से मनाते हैं। ये छोटा सा रन ऑर्गेनाइज करके मना रहे हैं और ये जो भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये सेंट्रल जू अथॉरिटी के इनिशिएटिव पर किया गया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी न्यू दिल्ली द्वारा हमें यह निर्देश दिया गया है कि देश के सभी जू जो है स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुरुआत करें 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। इस दौरान विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जैसा कि वृक्षारोपण, सफाई अभियान, शपथ ग्रहण और एनिमल एनक्लोजर का सफाई तथा उनका रख रखाव और सुंदरता को और ध्यान दिया गया। इसी अभियान के दौरान स्वच्छता रन भी हमने आयोजित किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना और जन भागीदारी को इसमें मिलाना, यही मुख्य उद्देश्य है। जंगली घाट के आयुष अस्पताल में आज 7वां पोषण माह का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर उपनिदेशक स्वास्थ्य डॉ. अभिजीत रॉय मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में अनिम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर डॉ. अजय राय एस, CDPO, जरीना बीबी, आयुष के उपनिदेशक डॉ. कल्याण पी. कड़भाने मौजूद रहे।
इस बीच डॉक्टर मालविका दत्ता ने उपस्थिति का स्वागत किया। द एंड बट रादर द बिगनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर वेयर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ रिमेन्स एन अटमोस्ट प्रायोरिटी। वंस अगेन आई वार्मली वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सिग्निफिकेंट ओकेशन। उपस्थिति को संबोधित करते हुए उपनिदेशक डॉक्टर कल्याण पी कड़भाने ने पोषण माह के आयोजन में आयुष की भूमिका के बारे में बताया। जो कैंप्स ऑर्गेनाइज किए एनीमिया स्क्रीनिंग डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट के लिए, उसमें आयुष ने भी काफ़ी योगदान दिया। फूड एग्जीबिशंस कराए, लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स फ्रूट्स, उनके हेल्थ बेनिफिट्स, और मिलेट्स को काफ़ी सर प्रमोट किया ड्यूरिंग द मंथ। और इसके डॉक्टर मानविका एंड उनकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में भी उन्होंने हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू एक हेल्दी रेसिपी कॉम्पिटिशन स्पेशली फोकसिंग ऑन मिलेट्स, क्योंकि लास्ट ईयर इंटरनेशनल ईयर फॉर द मिलेट्स था WHO का, तो उसके अनुरूप लोगों को अवेयरनेस बढ़े सभी को इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, और लोग इसको अपनाएं मिलेट्स को भी। तो इस थीम पे बहुत सारे कार्यक्रम किए, तो सभी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस दौरान आयोजित प्रदर्शनी को देखा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया। और बाजरा का मुरी दाल दल के किए और ये क्या कहते हैं। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की परामर्शक डॉक्टर सारिका वर्मा ने पोषण माह के उद्देश्यों तथा समाज में मिलेट्स के लाभ के बारे में जानकारी दी। हेल्थ के लिए तो बाकी चीज़ें भी जरूरी थी। जो इतने एक जनरेशन गैप के बाद जो मिलेट्स आया है, एक बहुत लॉन्ग जनरेशन के बाद मिलेट्स फिर अभी हाईलाइट हो रहा है। बीच में बिल्कुल भी गायब हो गया था, कोई जानता भी नहीं था कि मिलेट्स है क्या। पर हम लोग जब छोटे थे तो मिलेट्स को जानते नहीं थे, मम्मी बना के देंगी ये कौन खाएगा, टेस्ट नहीं है। पर आज की डेट में इतनी वैरायटीज़ हो गई है कि आप खुद भी बना सकते हो, जंक फूड को रिमूव कर सकते हो, और ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो मिलेट से नहीं बनती। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल दिया है हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर है निर्मला मैम ने, मोमोज बनाया है, रागी मोमोज। डॉक्टर मीना नाटकर ने आयुष विभाग द्वारा आयोजित माहव्यापी पोषण माह पर रिपोर्ट पेश की। पोषण अभियान को के मुख्य उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए प्रेग्नेंट वुमन्स, लैक्टेटिंग मदर्स, छोटे बच्चों के लिए अलग अलग आंगनवाड़ी सेंटर्स में अवेयरनेस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। समारोह में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पोषण माह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस बीच डॉक्टर अजय राय एस ने मानव जाति के लिए उचित पोषण की आवश्यकता पर जानकारी दी। सही पोषण से ही समाज का विकास होता है, और यहाँ राष्ट्र पोषण अभियान से ना के हर नागरिक को सही पोषण जाना के लिए जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बच्चे हैं, और जो प्रेग्नेंट मदर्स के लिए सही पोषण का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अपने संबोधन में CDPO जरीना बीबी ने इस पोषण माह को सफलतापूर्वक मनाए जाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदानों की सराहना की, साथ ही उन्होंने कुपोषण मुक्त भारत की अपील भी की। से लेके 30 तारीख तक ये हमारा पोषण माह का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक हमारा फेस्टिवल था। जैसा हम लोग फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही हमने पोषण माह को भी मनाया। और इस पोषण माह को मनाने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर का रहा, क्योंकि उनके बगैर हमारा हर प्रोग्राम असफल होगा अगर उनका साथ नहीं मिलेगा। मैं यही चाहती हूँ कि हमारा ये पोषण जो है, हर समय हमारा बच्चे स्वस्थ रहे, कुपोषण मुक्त भारत हो,
अगर भारत भी नहीं है तो कम से कम अंडमान तो हो, तो इसके लिए हम लोगों को भरसक प्रयत्न करना है। एक बार मैं सबसे यही कहना दोहराना चाहती हूँ, सही पोषण, सही पोषण। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिजीत रॉय ने कुपोषण के प्रकार के बारे में बताया तथा स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए स्वस्थ व्यवहारों पर भी जानकारी दी। तो हम आजकल जो मालन्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं वो क्लासिकल मालन्यूट्रिशन जिसमें हम कहते थे क्वाशर्कर, मरसमस एंड देन फ्लैक्साइन, जिंदगी में देखा नहीं हमने। मैंने जिंदगी में एक केस फ्लैक्साइन की देखी, जो डॉक्टर से फ्लैक्साइन के बारे में मालूम होगा उनको, जिंदगी में एक साइन मैंने देखा था इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, सिंगल केस, छोटा बच्चा 1.5 साल का था, कैंप के टाइम में मिला था हमको, दैट्स ओनली थिंग आई सॉ, आज तक फ्लैक्साइन मिला नहीं। तो क्लासिकल मालन्यूट्रिशन है वो चीज़ कहने के गायब हो गया है। फेस क्या कर रहे हैं हम लोग, फेस कर रहे हैं हम लोग बॉर्डरलाइन मालन्यूट्रिशन पे, फेस कर रहे हैं हम लोग स्टंटिंग पे, जो बहुत हद तक मिस हो जाते हैं अंडर सेंट्री जरिए से डॉक्टर या पैरामेडिक जगह बात करते हो, पेरेंट्स मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा एक्टिव होता है, बच्चा खेलते रहे, थोड़ा थिन होता है, चलता है, वो क्लासिकल बेड में लेटा पड़ा है, डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, वॉमिटिंग हो रहा है उसको, बाल झड़ रहे हैं, पेट फुला है, वो क्लासिकल केस मिलता नहीं है। एक पहला चीज़ हमारे पास है। दूसरा एक चीज़ होता है, जब स्टडी करते हैं हम लोग माल न्यूट्रिशन की, स्पेशली जो ये आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलो, ठीक है, या स्टंटिंग बोलो, इसमें एक अंडर न्यूट्रिशन की बात करो, बेसिकली इसमें इशू क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज फार्मूला कुछ है नहीं। अगर बहुत सही तरीके से देखूंगा, आई जस्ट डोंट वांट टू अपोज द गवर्नमेंट, बट हकीकत क्या है कि इंडिया में कोई भी ऐसा पैन इंडिया स्टडी नहीं है जिसे बोल सकते कि इंडिया में स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया ICMR के कुछ स्पॉरेडिक स्टडीज़ या मल्टी कुछ कुछ स्टडीज़ को लेकर 60s की, WHO के सेटअप किया, WHO के स्टडी में इंडिया शामिल ही नहीं था जहाँ तक मुझे मालूम है। तो उस स्टैंडर्ड्स को अगर जब हम रखेंगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चे सारे के सारे अननरिश पाए जाएंगे। द रीज़न बिंग हमारे यहाँ पे हाइट्स अगर जो है हम लोग कमी होता है एज कम्पेयर टू वेस्ट। कार्यक्रम में डॉक्टर नंदिनी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के सिलसिले में अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से नित्यानंद सेवा संघ द्वारा आज गुप्तापाड़ा गांव के कृष्ण मंदिर हॉल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस बीच उपस्थिति को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर पर प्रकाश अधिकारी ने शपथ दिलाई। 2024 के दिन यहां शपथ लेता हूं कि मैं अपना रक्त नियमित रूप से दान करूंगा। इस दौरान प्रकाश अधिकारी, रक्त बैंक की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिल्पा तथा रक्त बैंक की परामर्शक परमिंदर कौर मौजूद रहे। इस बीच प्रकाश अधिकारी ने इस रक्तदान शिविर के आयोजन पर जानकारी दी। नित्यानंद सेवा संघ की ओर से और सपोर्टेड बाय एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ये नेशनल डोनर्स डे के उपलक्ष्य में आज हमने पहली बार इस गुप्तापाड़ा पंचायत, आप बोलिए हम्परीगंज, वंडूर, ये पूरे क्षेत्र में पहली बार ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप हम करने जा रहे हैं। तो आज हम कोशिश किए हैं पहली बार कि सारे गांव में गुप्तापाड़ा, वंडूर, हम्परीगंज, सारे पंचायत क्षेत्र से लोग यहां पहुंचे हैं और अपना इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए। आज ऐसा एक दिन जो हम बोलते हैं रक्तदान ही महादान, हम चाहे कितने भी दान करें, पुण्य हम बहुत कुछ करके कमाते हैं, सोशल वर्क करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, लेकिन एक जीवन बचाने के लिए एक भगवान ही उसका आशीर्वाद दे सकता है, दूसरा हम हमारा एक यूनिट ब्लड देकर किसी का जीवन बचा सकते हैं, उसको पुनर्जीवन जीने का मौका दे सकते हैं, उस परिवार को, कमाने वालों को लौटा के दे सकते हैं, कुशल सुख से जी सके, ऐसा हम प्रयास कर सकते हैं। यही हमारा जीवन में एक यादगार और मैं समझता हूँ सबसे भाग्यशाली दिन आज हम होंगे। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिल्पा ने रक्तदान के महत्व के बारे में बताया। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे 1 अक्टूबर 2024, इस डे के तरफ से सारे डोनर्स को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो इस शुभ अवसर पर सब ब्लड डोनेट करने आए हैं। ब्लड डोनेट करके
ये महान काम करके आप काफ़ी सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। ये डोनेशन के बाद हम लोग कम से कम FAP प्लेटलेट PRBC ऐसे सेपरेशन करते हैं, इतने सारे पेशेंट्स को ये ब्लड जाता है, इससे काफ़ी सारे जानें बच जाती है। आपको पता है कि ब्लड की क्राइसिस जहाँ जहाँ रहती है तब डॉक्टर्स को भी परेशानी होती है, क्योंकि जहाँ पे ब्लड चाहिए वहाँ पे ब्लड चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इस शुभ अवसर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करिए और हमें हेल्प कीजिए ब्लड बैंक के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। नेशनल ब्लड डोनर डे के ऊपर में उपलक्ष में हम यहाँ उपस्थित हैं। अंडर हमारे जो SBTC के डायरेक्टर डॉक्टर सबोत्रो शाह, उनके अंडर गाइडलाइंस में हम ये काम कर रहे हैं और हर समय उन्हीं के जो हमारा 14 जून को डोनर्स डे है वो भी इसी उपलक्ष में मनाया जाता है, और इसी तरह ये नेशनल वॉलंटरी डोनर्स डे भी आज 1 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस शिविर में रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आप चले जाइए। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया क्या? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए, हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, D2H पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। ICDS शहरी परियोजना द्वारा पूरे सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। जंगली घाट के आयुष अस्पताल द्वारा इस दौरान पूरे माह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुपोषित भारत, साक्षर भारत, साक्षात भारत थीम के साथ आयुष अस्पताल द्वारा पोषण माह मनाया गया। इस माह के दौरान आयुष अनीमिया स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, वेबिनार, आयुष पोषण वाटिका तथा योग शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में आज दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आयुष अस्पताल के अधिकारियों ने स्वास्थ्य के लाभ के लिए विभिन्न योगासनों और लाभकारी औषधियों के बारे में केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जानकारी दी। तो कोशिश करें,
डिफरेंट है हमको, हम बाहर आने आयुष हॉस्पिटल से। तो पहले ऐसा होता था कि हमें ड्रेसिंग कोड की जरूरत थी, स्पेस की जरूरत थी। तो अभी ऐसा हो गया है कि ना हमें ड्रेसिंग कोड की जरूरत है ना स्पेस की जरूरत है। पहले होता था घुटना दर्द और नीचे नहीं बैठ सकते, तो अभी क्या हमारे पास चेयर पर है, बच्चे में हो हम में हो किसी में, ठीक है, हर चीज भूल जाते हैं। परसों रात को क्या खाया कुछ नहीं, सकते पानी नहीं पिए तो आप कुछ पी सकते हैं, पी सकते हैं। वो तीन चीज है आपका, एक है दूध, दूसरा है फल का जूस और तीसरा है छाछ, बटर मिल्क जिसको हम बोलते हैं, इसको भी पीने का वो है। जूस पीना है आपको ब्रेकफास्ट। श्री विजयपुरम के अतुल स्मृति समिति बंगाली क्लब में कल शाम 6:30 बजे दुर्गा पूजा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं एक झलक। पहाड़गांव स्थित डॉक्टर बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में नाबार्ड के सहयोग से आज चार पहिया वाहन की बेसिक ऑटोमोटिव सर्विसिंग और ऑनबोर्ड इंजन सर्विसिंग पर लघु अवधि कौशल विकास पाठ्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह मुख्य अतिथि थी, जबकि मुंबई के इंडऑस्ट मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रवि भाटिया सम्माननीय अतिथि थे। कार्यक्रम में डीब्रेड के प्राचार्य डॉ उत्पल शर्मा, पीओ एसडीपीओ डॉ वी अलगु सुंदरम तथा मैकेनिकल विभाग के विभागाध्यक्ष बी के जैना मौजूद रहे। इस बीच इलेक्ट्रिकल के विभागाध्यक्ष शंकर राव ने उपस्थिति का स्वागत किया। प्राचार्य डॉ उत्पल शर्मा ने प्रशिक्षणार्थियों से इस प्रशिक्षण से लाभ उठाने की अपील की। ज्वाइंट वेंचर है और बड़े बड़े इंजन को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। इससे पहले जो कोरल की थी, जो आपने काफी लोगों ने इसमें ट्रैवल भी किया होगा, तो भी वो रन कर रही थी। इनके पास बहुत ही डीप नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और ये हम सब के लिए रियली वी आर फॉर्चुनेटली हमें इनका सहयोग मिला है और आपको जो ट्रेनिंग मिलेगा सचमुच बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा। कार्यक्रम में निदेशक रवि भाटिया ने प्रशिक्षणार्थियों से इस प्रशिक्षण के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल करने की सलाह दी। आप लोग सब शुरू करते हैं तो दुनिया में सब लोग काम करने के लिए ही आए हैं, करते हैं, उसको डिफरेंशिएट क्या करता है या उसको अलग क्या करता है या क्या चीज आपको ज्यादा बढ़ावा देगी, वो आप लोगों की मानसिकता होगी, आपका एटीट्यूड होगा एक्सीलेंस की तरफ में। मुख्य अतिथि अर्चना सिंह ने इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के लिए डीब्रेड के प्रयासों की सराहना की। पल्लीश्री प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ आप जैसे ही नौजवान बच्चों के लिए हमने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स शुरुआत करी है वहाँ पर और आज हम यहाँ पर हैं जो फोर व्हीलर एज वेल एज मशीन के बारे में जो सर्विसिंग के लिए और वो मैकेनिक आप जो कहते हैं, एक चीज ध्यान में रखना, स्पेशलाइजेशन ही आपको अलग कर देगा बाकी लोगों से। इस दौरान डीब्रेड के प्राचार्य ने मुख्य अतिथि तथा सम्माननीय अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया। अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बंबूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।
एमवी हडबे, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी इसके अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी छोलदारी, शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट, माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन शाम 3 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। गांधी जयंती पर गांधी पार्क में कल होगा मुख्य समारोह का आयोजन। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह आयोजित और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता दौड़ का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।